अमेरिका में अगले साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर कमला हैरिस राष्ट्रपति की उम्मीदवार नहीं होंगी। भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस ने मंगलवार को बताया कि वो 2020 में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगी और इसलिए वो अपना नाम वापस ले रही हैं। कमला हैरिस ने ट्वीट कर कहा कि वो दुख के साथ कहना चाहती हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योजना को रद्द कर दिया है। अपने समर्थकों से माफी मांगते हुए कमला हैरिस ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसे की जरूरत थी, लेकिन वो अरबपति नहीं है। साथ ही कहा कि भले ही उन्होंने चुनाव में उतरने की योजना रद्द कर दी हो, लेकिन वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। उधर कमला हैरिस के चुनाव से पीछे हटने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि ये बुरा हुआ, कमला हमें आपकी कमी खलेगी। ट्रंप के ट्वीट के जवाब में कमला हैरिस ने भी ट्वीट किया और कहा कि चिंता मत कीजिए मिस्टर राष्ट्रपति, मैं आपके ऊपर चल रहे महाभियोग की सुनवाई के दौरान आपको देखूंगी। कमला हैरिस कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सीनेटर हैं। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इसी साल जनवरी महीने में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था। राष्ट्रपति पद की दावेदारी करने के बाद से कमला हैरिस ने अब तक $2.3 करोड़ जुटा लिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।